आयुष्मान खुराना आ गए वापस बहुत सारे टाइम के बाद अपनी वही जेनेरिक पिक्चर लेके, जिसके थ्रू ये बनते हैं वो किरदार जो है सोसाइटी, जिसके थ्रू सोसाइटी को सिखाए जाते हैं लेसन। तो ये भी वैसी पिक्चर है जिसके अंदर सोसाइटी को लेसन सिखाए जा रहे हैं आयुष्मान खुराना के थ्रू। पिक्चर कौन सी है? पिक्चर है डॉक्टर जी। देखो, कांतारा जैसी पिक्चर लगी हो थिएटर में तो आप इसको क्यों देखने के लिए जाओगे? सवाल तो आता ही होगा ना मन, क्यों देखने के लिए जाओगे? तो नवीन यानी डॉक्टर नवीन आपको बताएगा अपनी ऑनेस्ट फीलिंग इसके बारे में कि इस पिक्चर को मैं क्यों देखने के लिए गया। स्टार्ट करते हैं ऑनेस्ट फीलिंग्स विद डॉक्टर यादव यानी योर्स NY। यस या लेट्स स्टार्ट। टाइटल देख लो फिर स्टार्ट कर। पिक्चर को क्यों देखना चाहिए ये तो मैं बताऊंगा ही, और पिक्चरें इस तरह की वर्क क्यों करती हैं, आयुष्मान खुराना बार बार ये पिक्चरें क्यों बनाता है ये भी मैं बताता हूं। ऐसा चुटकी बजा के करें क्या टाइटल इस बार? कोशिश करते रहिए, बच्चा जरूर होगा। अनुभूति कश्यप, पहले बता देता हूँ, अनुभूति कश्यप ने इस पिक्चर को बनाया जो कि अनुराग कश्यप की बहन है, भाई अभिनव कश्यप की बहन है, भाई टैलेंट जीन्स में है, नो डाउट पिक्चर जो है अच्छी होगी, बिल्कुल दो राय नहीं है। अब पिक्चर कितनी अच्छी होगी वो पॉइंट है, उसका गेज क्या? 3 से 5 स्टार तक जाने में वक्त लगता है ना, तो वही 3 से 5 स्टार की जर्नी को ये पिक्चर कर पाती है कि नहीं कर पाती है वही मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि डॉक्टर जी जैसी स्टोरी जो है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही वाइड है। इसके अंदर मतलब स्टोरी क्या है ना, बंदा है जिसने MBBS कर रखी है, अब MBBS करने के बाद उसको जाना है PG करने के लिए, अब वो PG करने के लिए उसको लेनी है ऑब्स गायनी, उसको मिल रही है ऑब्स गायनी, लेनी है ऑर्थो। अब वो ऑर्थो लेने के लिए, मतलब ऑब्स गायनी जिन लोगों को नहीं पता कि जच्चा बच्चा विभाग होता है यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने का उसके पास मौका आता है या फिर हड्डियों का डॉक्टर बनने का। अब स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने के लिए एक मेल डॉक्टर, समझ रहे हो ना, हर एक मेल MBBS स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि वो ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में एक औरत को एग्जामिन कैसे करे। आई कैन वाउच फॉर दिस फैक्ट क्योंकि मैं खुद एक MBBS स्टूडेंट हूँ। तो जब भी हम ऑकवर्ड होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, कैसे एक पेशेंट के साथ ऑकवर्ड नहीं होना है, कैसे एक पेशेंट को मेल हो चाहे फीमेल हो बिना बायस के एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बींग नॉट एज अ मेल एग्जामिन करना है, कैसे डायग्नोसिस बनानी है। तो इसके बहुत सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो सारे रूल्स में मैं नहीं जाऊंगा, बट ये पिक्चर जरूर जाती है उन सारे रूल्स में, उन सारी चीजों में, उन सारी बातों में जो एक मेल डॉक्टर को झेलनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, जो उसकी इनसिक्योरिटीज होती हैं बीइंग अ मेल। मतलब और अच्छे से दिखा सकते थे बट ठीक है, सफिशिएंट है। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ मेल गायनेक्स, बहुत टैलेंटेड ऑब्स गायनी के डॉक्टर्स एंड बहुत ही फेमस ऑब्स गायनी के डॉक्टर्स। सोसाइटी की वजह से बहुत लोग सफर करते हैं, डॉक्टर्स भी कम नहीं है, डॉक्टर्स भी सफर करते हैं, उनकी भी इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है सोसाइटी की वजह से कि लोग क्या कहेंगे एक मेल स्त्री रोग विशेषज्ञ के बारे में, है ना। तो वही सेम चीज इसमें भी आयुष्मान सफर कर रहा है, तो ये पिक्चर ऐसे ही स्टार्ट होती है। अब जब ये कॉलेज के अंदर चला जाता है उसके बाद कितना वाइड हो जाता है ना सब कुछ, कि आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज कॉलेज की लाइफ दिखाने का। ही सराउंडेड बाय सो मेनी विमेन, तो उनसे बुली भी होता है, ये रैगिंग भी ली जाती है इसकी, मतलब बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया जा रहा है वैसे स्टोरी को, बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे से। पिक्चर की मैं तारीफें करनी स्टार्ट कर देता हूँ, व्हाट वोंट वर्क फॉर द फिल्म वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे। अच्छी चीज है पिक्चर के बारे में यही है कि इसके अंदर आयुष्मान खुराना है, आयुष्मान खुराना से ऑडियंस रिलेट करती है। मतलब जब वो उसको कोई बीमारी होती है, उसके साथ कुछ होता है, तो ऑडियंस को लगता है कि यार ये बंदे के साथ कुछ हो रहा है तो ये सोल्यूशन भी देगा करके, है ना। तो जैसे ऑब्स गायनी अब उसको मिला है तो वो हमें पता है कि एंड में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजोल्व होगा, हमें पता है कि आयुष्मान खुराना को एक रियलाइजेशन होगा जो कि एक तरह से सिम्बॉलिक रियलाइजेशन है सोसाइटी का, कि सोसाइटी को भी जागरूक कराना है साथ साथ आयुष्मान खुराना के साथ। आयुष्मान बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी को, तो इसके अंदर मतलब वो अच्छा पार्ट यही है कि आयुष्मान को जैसे जैसे चीजें सीखता है वो, वैसे वैसे सोसाइटी को लेसन्स मिलते जाते हैं, यानी हमें लेसन्स मिलते जाते हैं। अब देखो ऑब्स गायनी का डॉक्टर है तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी इसमें दिखानी पड़ेंगी, वो अच्छे से दिखा रखी है बट सुपरफिशियली दिखा रखी है, ऐसे दिखा रखी है कि सबको डाइजेस्ट हो जाए पिक्चर, क्या बोलते हैं उसको, पैलेटेबल है ये पिक्चर, मतलब आपको सबके स्वाद अनुसार पिक्चर बनानी है। अब ये प्रोडक्शन हाउस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, यही चीज चल नहीं रही है इस पिक्चर में कि इसको बहुत ही साफ रखा गया है, बहुत ही क्लीन रखा गया है और बहुत ही ज्यादा अंदर नहीं घुसी है अनुभूति कश्यप इसमें बनाने। मूवी के अंदर जो मेरे को नॉस्टैल्जिया फील हुआ वो नेक्स्ट लेवल था, जैसे भी कॉलेज में हम स्पेंड करते हैं लाइफ को और जैसे हमारे क्लिनिकल केसेस होते हैं और वो सब होता है कि हमें पेशेंट्स को एग्जामिन करना पड़ता है और वो सब करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें मेरी मेडिकल लाइफ की जो जिंदगी थी वो सारी रिवाइव हो गई मेरी उस मूवी को देखने के बाद। लाइक आई फील नॉस्टैल्जिकली इमोशनल अगर ये वर्ड है तो, और मेरे को बहुत ही ऐसे अंदरूनी खुशी हो रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार
लाइफ तो अच्छी होती है यार मेडिकल कॉलेज की, तो वही इस मूवी के अंदर भी बड़ा अच्छे से दिखाया गया है। ऑल्सो इट इज डायरेक्टेड बाय अ वुमन, तो देर इज एन ऑब्वियस डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैरेक्टर। फीमेल डायरेक्टेड मेल कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ मेल डायरेक्टेड मेल कैरेक्टर। तो यहाँ पे आयुष्मान खुराना में वो नुआंसेस और वो सारी छोटी छोटी चीजें ऐड की गई हैं। इमोशनली द कैरेक्टर बिकम्स अवेयर, जो मतलब जो उसको सिखानी है हमें वो चीजें वो कैरेक्टर्स को एक औरत शायद बेहतर समझ पाती है, और वो कैरेक्टर ट्रेट्स उसमें ऐड किए हैं धीरे धीरे जब एंड में कैरेक्टर पूरा कैरेक्टर आर्क कंप्लीट होता है जैसे आयुष्मान खुराना का। और एक और चीज बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर की अननेसेसरी लव स्टोरी इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नेसेसरी लव एंगल है जो कि बहुत जरूरी है लोगों को समझाना कि सारे लव एंगल्स या सारे लव इंटरेस्ट शादी में नहीं कन्वर्ट होते। फिल्म बहुत ही अच्छे से मैच्योरली डील करती है इस फिल्म के लव एंगल के साथ, और वो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा है। बेसिकली इट्स अबाउट लूजिंग द मेल टच, एंड मेल टच इज सिम्बॉलिक ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिम्बॉलिकली इसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं बट बताया नहीं गया है। मतलब मूवी ना फ्लो करती है, स्टोरी इसकी मूवी की ऐसे बिल्कुल ग्रेजुअली एक चीज से दूसरी चीज पे बढ़ती है। कभी भी मेरे को एक पॉइंट पे भी नहीं लगा कि यार ये मूवी कट हो रही है या फिर बीच में बड़ा एब्रप्ट सा ये आ गया, ये क्यों ट्रांजिशन डाल दिया। ऐसे ग्रेजुअल है सब कुछ, किसी चीज को पहले प्लांट किया गया है तो उसी के साथ जो जो कैरेक्टर्स प्लांट कर दिए गए उन्हीं की लाइफ आगे आगे प्रोग्रेसिवली बढ़ती है। ये बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर। मतलब ऐसे मतलब आयुष्मान खुराना रकुल प्रीत कौर जो आयुष्मान की दोस्त हैं, ये मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि एक लव एंगल जो है वो होते होते नहीं ऐड करने वाला सिचुएशन जो है ये बहुत अच्छा है इसके अंदर। तो रकुल प्रीत की भी जो ग्राफ है स्टोरी लाइन है वो भी आगे बढ़ती रहती है, आयुष्मान की भी स्टोरी लाइन आगे बढ़ती रहती है। देन देयर इज दिस गर्ल इन द फिल्म उसकी भी स्टोरी लाइन, देन देयर इज आयुष्मान की मम्मी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग करी है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा बट शी इज वेरी टैलेंटेड। हर एक सीन में बहुत ही मन खुश करने वाली जो एक्टिंग होती है ना वो होंगे। शी इज अ मॉडर्न मदर जो टिंडर यूज करती है, डेट पे जाती है, यूट्यूब वीडियोस बनाती है, वो सब है। देन आयुष्मान का दोस्त है जो कि हर पिक्चर, मतलब ये बिल्कुल बेसिकली एक फॉर्मूला है जो आयुष्मान की पिक्चरों को वर्क कराता है, और ये उसी फॉर्मूला पे सेट पैटर्न पे बेस्ड पिक्चर है। यही इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। ड्रॉबैक में सबसे पहले मैं यही चीज बता देता हूँ कि इसमें चीजें हो रही हैं और आपको एंड में लेसन मिलेगा, और आपको आयुष्मान के थ्रू बहुत ही मतलब ऐसा सेफ पिक्चर लगेगी जिसमें एक्टिंग का ज्यादा स्कोप नहीं है, जिसके अंदर रेंज दिखाने का ज्यादा स्कोप नहीं है बट मैसेज देने का स्कोप है। क्योंकि हमें अब तो कुछ नया चाहिए ना, अभी हमें इन्वेंटिव होना पड़ेगा अपनी स्टोरी लाइन्स को लेके। अगर स्टोरी लाइन अगर इन्वेंटिव है, स्टोरी लाइन के अंदर क्या सब हो रहा है उसको लेके इन्वेंटिव होना पड़ेगा, तो ये पिक्चर इन्वेंटिव नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। गाने पिक्चर के जो है शुरू से लेके एंड तक, एंड में आके एक अच्छा गाना आता है, कोई भी गाना ऐसा नहीं है। और अच्छी बात है कि छोटे गाने डाले इन्होंने, अच्छी बात है कि कम गाने डाले। आयुष्मान के साथ जो चीजें हो रही है, ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा दिखाया, कैसे फंक्शन करता है बहुत अच्छा दिखाया, पर एक ही टीचर है क्या, एक ही एचओडी और एक ही डायरेक्टर है क्या, और एक्टर्स नहीं हो सकते थे, और टीचर्स नहीं ऐड हो सकते थे, और तो डिपार्टमेंट नहीं दिखा सकते थे। मतलब मेरी जो पर्सनल ग्राइप वो यही थी कि भाई इसके अंदर ना और थोड़ा सा और मेडिकल लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए था, या फिर और ऑब्स गायनी के केसेस दिखाने चाहिए थे। दे शुडंट हैव जस्ट स्टक टू द जेनेरिक केसेस जिसके अंदर लड़का नहीं हो रहा है। दे डिड शो प्लेसेंटा प्रीविया या फिर मतलब कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी की क्या क्या होती है वो सब दिखाया है इसके अंदर, पर दे डिडंट ड्वेल इनटू इट। इवन द मोस्ट सीरियस मोमेंट ऑफ द फिल्म जो लास्ट में आती है वो भी मुझे डर लग रहा था। मतलब मेरा जो फियर था वो ज्यादा था, मुझे लगा कि शील गो फॉर इट, लाइक अनुभूति कश्यप विल गो फॉर इट फुल ऑन, एंड ये पिक्चर मुझे रुलाएगी और बहुत मजा आ जाएंगे। इन माय हेड इट वाज अ वेरी सैड डिप्रेसिंग मूविंग सीन बट इट डिडंट ट्रांसलेट इनटू एनीथिंग, इट जस्ट केम एंड वेंट। क्योंकि अगर ग्राफ पिक्चर का ऐसे चल रहा था वो पिक्चर को ऐसे ऊपर ले जा सकता था, बट वो पिक्चर जाना ही नहीं चाहती है तो वो वहीं रह जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। आयुष्मान खुराना को वर्क करना चाहिए इसी चीज पे कि इतनी सारी एक जैसी इन्वेंटिव पिक्चरें हम नहीं देख सकते हैं। आयुष्मान फटीग हो चुका है, मैं पिक्चर को देख रहा हूँ, पिक्चर फ्लॉलेस है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, बट सेम है, समझ रहे हो। एक अलग तरह की स्टोरी में वही सारी टेम्पलेट को घुसा देना, मेडिकल एथिक्स को भी ऊपर ऊपर से टच कर दिया, और फिर ऑपरेशन थिएटर को भी ऊपर ऊपर टच कर दिया, डिलीवरीज को भी ऊपर ऊपर से टच कर दिया, बहुत ही क्लीन नीट एंड क्लीन वर्जन बनाया, जबकि थोड़ा सा डर्टी होना चाहिए था पिक्चर को, गलत मत समझना मुझे। बाकी पिक्चर अच्छी है, फैमिली के साथ देखने वाली पिक्चर है, मजे आएंगे, एक बार देखो। एवरेज पिक्चर कह सकते हैं इसको, ऑनेस्ट फीलिंग्स यही है मेरी इसके बारे में, मैं इसको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। फॉरगेटेबल पिक्चर है, भोपाल के बारे में बहुत कुछ दिखा सकते थे, दे केप्ट इट लिमिटेड टू भोपाल का कॉलेज ओनली, देख के आ सकते हो टाइम पास के लिए बट मत देख के आओ, मैं तो कहता हूँ कांतारा देख के आओ, छोड़ दो ये सब कांतारा। इसके साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट। कांतारा थिएटर में लगी हुई है उसको जरूर देख के आना, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट, पीस।